गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने ये हल्का फुल्का सा नाश्ता बनाया था मम्मी पापा जी के एनिवर्सरी के लिए, और वैसे ये बहुत ज़्यादा हैवी और टेस्टी था। साथ में हम लोगों ने जो केक मंगाया था, मैं केक की फ़ोटो या वीडियो लेना भूल गई हूँ, सो मैं आप लोगों को केक नहीं खिला सकती। और मीठे में हम लोगों ने बाहर से ही ये रसमलाई मंगा ली थी, जो कि हमारे पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी फेवरेट है। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हमारा सेलिब्रेशन हो गया और मम्मी पापा जी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। पापा जी जो है, आप सब जानते हैं कि बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और मम्मी तो पहले से ही बीमार थी, लेकिन हाँ मम्मी इंजॉय कर लेती हैं उसमें भी। पापा जी को थोड़ा वक्त लग जाता है संभलने में, दिन भर में 3 बार डायलिसिस होता है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो आ पाएंगे, बट वो आए हम लोगों की खुशी के लिए, थोड़ी देर शामिल हुए, थोड़ा नाश्ता पानी किया और फिर जाके उन्होंने रेस्ट किया। ऐसा करिए पहले, नहीं मम्मी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आज मौसम इतना प्यारा प्यारा हुआ है, अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो छत से ही आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और कल तो मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी थी, ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया था ना, मुझे जो स्किन में हुआ है वो बहुत ज़्यादा जलन कर रहा था, तो घर के सारे लोगों का कहना था कि किचन में उतनी ही देर रहो जितनी देर तुम बर्दाश्त कर सकती हो, अदरवाइज़ खिचड़ी बना दो, हम लोग वही खा लेंगे। सो केक वगैरह तो बाहर से आ गया था, और बाबूजी को रसमलाई बहुत पसंद है, तो ताज़ी रसमलाई विवेक जी ले आए थे। साथ में मैंने थोड़ा सा कुछ नमकीन बना लिया था क्योंकि मम्मी जी मीठा नहीं खा सकती हैं, तो ओवरऑल ठीक ठाक रहा हम लोगों का आयोजन। और आयोजन क्या था, उत्कर्ष जिद कर रहे थे बलून वगैरह फुलाने की, तो मैंने कहा नहीं बेटा, बर्थडे में बलून अच्छा लगता है, एनिवर्सरी में रहने दो। और मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि डायलिसिस के तुरंत बाद बाबूजी उठ के रूम से बाहर आ पाएंगे, बट वो हम लोगों की खुशी के लिए आए। मैं उनके लिए जो कुर्ता लेकर आई थी बनारस से, वो उन्होंने पहना, उनको बहुत अच्छा लगा। और हर साल मैं मम्मी पापा जी के लिए ड्रेस खरीदती हूँ, जो खरीदती हूँ वही वो लोग पहनते हैं, तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी गिफ्ट होती है उनकी। और कल तो डबल गिफ्ट मुझे मिल गया कि बेटा केवल खिचड़ी बना दो, हम लोग खिचड़ी ही खा लेंगे, ज़्यादा तामझाम मत करो, क्योंकि मम्मी जी देख रही थी कि मुझे बहुत भपकन हो रही है, इसमें जलन हो रही है, और उन्होंने आँख से देखा कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हालाँकि कल रात में मैंने कोई एक ऑइंटमेंट मंगाया था इसके चाचू ने, वो मैंने लगाया है 2 से 3 बार, बहुत आराम आया है, ऐसा लग रहा है जैसे झुलस गई है कोई चीज़ ना, जल जाती है ना वैसा हो गया है, और जलन भी कम है, बस कपड़े की रगड़ जब लग रही है ना तब चीख निकल जा रही है मेरी, अदरवाइज़ ठीक है। सो आप लोगों ने भी बहुत सारी जो है मम्मी पापा जी को विशेज़ दी हैं, उसके लिए थैंक यू, बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए और विशेज़ दीजिए ताकि वो लोग ऐसे स्वस्थ रहें और हमेशा प्रसन्न रहें, और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और साथ में जो आप लोग मेरा केयर करते हैं, मेरे लिए जो चीज़ें बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की राय, आप लोगों की एडवाइस, आप लोगों की चिंता मुझे अपनापन दिखाती है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कोई लेप बताया है, किसी ने चंदन लगाने के लिए बोला था, किसी ने नीम के पत्ते लगाने के लिए बोला था, किसी ने डिटॉल सेवलॉन वगैरह से उसे जलाने के लिए बोला था। सो इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाई, नीम मैं यूज़ पहले से ही कर रही थी बट उससे मुझे आराम नहीं था और ये बढ़ ही रहा था, लेकिन ये जो ऑइंटमेंट आया है ये स्किन एलर्जी का है, मैं लास्ट में इसको मेंशन कर दूँगी, बहुत कॉमन है। अगर कभी आप लोगों को भी ऐसी स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होता है किसी भी तरह का, ये उसमें काम आता है। सो मेरा काफ़ी ठीक हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में वो पूरा ठीक हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कुछ हम लोगों का आयोजन रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से, घर वालों के सहयोग से सब ठीक ठाक रहा, मम्मी पापा जी खुश तो बच्चे खुश। सो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आप लोगों से मैं नीचे ही मिलूँगी, क्योंकि बातें मैं ना स्थिरता से ही करना चाहती हूँ। यहाँ हल्की हल्की बूंद पड़ रही है और पक्षियों की आवाज़, मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन मैं स्थिरता से बात नहीं कर पाऊँगी, यहाँ मेरा ध्यान डाइवर्ट होता है। अब देखो कितनी प्यारी प्यारी हवा लग रही है, आह तो कहाँ मैं बात कर पाऊँगी, ऐसे में तो मुझे आलस और आने लग जाता है।
बहुत खांसी आ रही है भाई। खच्चू खच्चू क्यों आ रही है आज बेटा? लेमन टी का याद दिलाना प्लीज़ बेटा सोने से पहले, हाँ नहीं तो मामा लोग भी डांटेंगे कि मैंने कब का बोला बच्चे को देने के लिए। ना बच्चा सुनता है ना बच्चे की मम्मी, लापरवाही हो रही है हम लोगों से। ये बादल सिर्फ दिखाएंगे या कुछ बरसेंगे? बरसेंगे भी, भगवान जी से बोलो इतना बरस जाए बादल कि हम लोग की रात को बच्ची ठंडी ठंडी निकले। आ हा 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 वाह। मैं तो दौड़ूंगा। सो दोस्तों हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं, फिर से ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और आप देख सकते हैं कमरे में रोशनी बिल्कुल नहीं है, बल्ब की जो है रोशनी है, जबकि जब मैं सनलाइट में बनाती हूँ तो कितना अच्छा ग्लो होता है ना पूरे कमरे में, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि बादल छाए हुए हैं। और कल का आयोजन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ और आप लोगों के विशेज़ के लिए मैं आपको थैंक यू भी कर चुकी हूँ, बट मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और बहुत ख़ास नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें मैंने महसूस की हैं कि जब आप कहीं जाते हो या किसी से कोई बात कहना चाहते हो तो हम एक अच्छे टाइम का इंतज़ार करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सारे लोग कहते हैं नहीं अभी इस चीज़ का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतज़ार करो थोड़ा इंतज़ार करो थोड़ा इंतज़ार करो, बट कभी कभी क्या होता है कि हम इंतज़ार करते रह जाते हैं और हमारे सामने से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। ऐसा मेरे भाई के साथ हुआ था, उसको एक ऑफ़र मिल रहा था विदेश से, वो रेडियो साई में था पुटपर्ती में और उसे वहाँ से कुछ अमेरिका से या कहीं से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। उसके कई सारे फ्रेंड्स ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया बट वो साई बाबा का भक्त था तो उसने अपनी बात उनके सामने रखी और उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा वेट। आज तक वो वेट ही कर रहा है, सारी अपॉर्चुनिटी चली गई और अब उसके बाद दोबारा से कभी कुछ ऐसा आया नहीं, जबकि उस टाइम पे जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोया, बिना टाइम गवाए उसे ज्वाइन कर लिया, वो आज की डेट में उनका एक बहुत अच्छा कैरियर है। ये सबक मिला मुझे उसकी लाइफ से, मेरी खुद की लाइफ से भी मैंने कुछ सबक लिए हैं कि कभी मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ पता नहीं वो क्या सोचेगा या उसके मन पे मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, और मैं वो चीज़ बिना कहे रह जाती हूँ। बाद में मुझे कई कई बार पछताना पड़ा है कि काश मैंने ये चीज़ बोल दी होती, काश मैंने ये बात उसके साथ शेयर कर दी होती तो आज ये चीज़ ना हुई होती। ऐसा हम सबके लाइफ में होता है दोस्तों, हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हम इस असमंजस में हो जाते हैं कि ये सही टाइम है या नहीं है। अच्छा खासकर ये चीज़ होती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, हमेशा कहा गया है कि यार पहली छवि जो इंसान की पड़ती है ना आदमी के दिमाग में वो छप जाती है। मेरी फर्स्ट इम्प्रेशन हर इंसान के अंदर एक रूढ़ महिला के रूप में हुई है, हर जगह मेरा यही आकलन हुआ है, हर जगह मैंने देखा है कि लोग मुझे बहुत एरोगेंट समझते हैं, मुझे बहुत मुँहफट समझते हैं, मुझे बहुत रूढ़ समझते हैं। बाद में जब हम साथ में वर्क करते हैं, बाद में हम साथ में कन्वर्सेशन करते हैं, हमारा आचार व्यवहार देख के फिर लोग कहते हैं लगता नहीं है कि तुम इतनी फनी हो। इवन मेरे ससुराल वाले भी, जब मेरी फ़ोटो आई थी, जब मेरी शादी हुई है उस टाइम पे मेरा यहाँ पे मेरी एक अलग छवि थी, तो मैंने बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें फेस की हैं। जो बातें मन की बात मैं बोलने वाली हूँ या जो मन की बात से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों से बोल रही हूँ उस वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार जैसे हम सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं और हम उस टाइम पे हमें मौका मिलता है कि हम अपने मन की बात एक दूसरे से कह पाते हैं, ना कि फ़ोन पे हम कह पाते हैं और लेटर वेटर तो भूल ही जाओ। जब हम आमने सामने होते हैं हमारे बीच इतना टाइम गैप हो चुका होता है, 2-2.5 साल 3 साल ऑलमोस्ट हो जाता है, सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जब मुझे ये चीज़ फील होती है कि यार मेरे भाई ने मेरे लिए उस टाइम पे ये चीज़ की और आज मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ सपोर्टिव कोई कोई मोमेंट ऐसे होते हैं जब आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है और हम उन्हें उस टाइम पे थैंक यू नहीं बोलते हैं, खासकर अपने मम्मी पापा को तो हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, मदर्स डे निकल जाता है, फादर्स डे निकल जाता है, उस टाइम पे लोग कविताओं के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलो। मैं इस बार अपने भाइयों से भी मिली और भाइयों से मिली हूँ मैं, 1 से 5 साल बाद मिली थी, 1 से 3 साल बाद मिली थी, और हम जब साथ में मिले तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी साथ में, बिना बोले हम एक दूसरे की बात समझ रहे थे, जबकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं जैसे मेरे हस्बैंड उन लोगों की वाइफ, वो लोग ये सोच रहे थे कि इन भाई बहन की तो आपस में पटती ही नहीं है, ये लोग तो आपस में बात ही नहीं करते हैं, ये लोग तो एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं करते हैं, ये ज़रूरी ही नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि फ़ोनिक कन्वर्सेशन, एक दूसरे को थोड़ा हालचाल पूछना, यही इसी से रिश्ता बरकरार रहता है। लेकिन जब हम लोग मिले और हम लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग साथ में चल रही थी, हम लोग एक एक 1.5 हफ्ते साथ में रहे हैं, बिना बोले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं या काम हो जा रहे हैं, लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक था और आश्चर्य की चीज़ें थी। हमने इस पर गौर नहीं किया लेकिन लोगों ने हमें गौर करा दिया।
तब मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ें होती हैं कि अपने दिल की बात बोल देना चाहिए। और तब भी मैं नहीं बोल पाई थैंक यू अपने भाइयों को, भाभियों को। नहीं हो पाता है कभी कभी, हमारे अंदर ये सब चीज़ें इतनी जल्दी उमड़ के नहीं आती हैं कि हम उनको थैंक यू बोल सकें, अपनी मम्मी को थैंक यू बोल सकें जिनकी वजह से हम हैं, या जिनके कारण हमें जो अपब्रिंगिंग मिली है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग मिली है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हुई है, हम उनको कभी थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। सो नॉइज़ पॉल्यूशन ने फिर से कहा पॉज पॉज पॉज। हाँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ भाई कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपने अंदर से दूर करूं। अगर मौका मिलता है हमें किसी से कोई बात शेयर करना है तो उसे हमें तुरंत कर देना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे ऐसे न्यूज़ सुने हैं, न्यूज़ पढ़े हैं, और अभी इधर बीच भी मैंने यूट्यूब पे कुछ ऐसे व्लॉगर्स को या चैनल वालों को देखा है जिनके हस्बैंड सडनली रोड एक्सीडेंट में गुजर गए या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये सारी चीज़ें मुझे सोचने का मौका मिला कि देखो, केवल हस्बैंड नहीं, आपकी लाइफ का कोई भी एक बंदा सडनली अगर आपकी लाइफ से चला जाता है, इतनी दूर हो जाता है कि आप चाह के भी उससे बातें नहीं कह पाते हैं, इससे बेहतर है ना कि हर मोमेंट की, हर क्षण की बातें उससे हम शेयर करें। सो मैं अपने अंदर की इस कमी को दूर करूँगी, कोशिश करूंगी कि मैं फटाफट जैसे आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करती हूं वैसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी करूं। कहीं कहीं पे मुझे होता है संकोच, मैं नहीं कर पाती हूं, मैं चाहती हूं कि सामने वाला खुद से समझे, लेकिन भाई जब साथ में रहोगे तभी तो आदमी समझेगा ना, दूर दूर से कैसे कोई समझ पाएगा। बस यही सारी चीज़ें मुझे इधर भी रियलाइज़ हुई हैं, समझ में आई है कि हम 5 साल 3 साल एक दूसरे से दूर थे और मैं चाहती थी कि वो मेरी बातों को समझे, वो चाहते थे कि मैं उनकी चीज़ों को समझूं। जब हम आमने सामने आए तो मैंने भी समझ ली और उन्होंने भी समझ ली, तब हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से उभर के आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसे इग्नोर करते चलते हैं, पहल करने से डरते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए, हमें वक्त की कीमत को समझना चाहिए, पल को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि हर मोमेंट को एंजॉय करो, हर पल को एंजॉय करो, वैसे ही हर पल अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपको किसी को थैंक यू बोलना है या किसी को डांटना है या किसी को सॉरी बोलना है तो तुरंत बोल देना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और वो पहले बोले, मैं पहले बोलूं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम पहल करते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि यार सॉरी, हमसे ये गलती हो गई, उसे दुगना सॉरी फील होता है, उसे दुगनी गिल्ट फील होती है, फिर वो हमसे और ज़्यादा बढ़ के माफ़ी मांगता है। तो पहल तो कर लेनी चाहिए। आप लोग अगर मेरी बातों से एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हो इस तरह का तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, शायद मुझे और हिम्मत मिलेगी और कुछ सीखने को मिलेगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।